नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह राठौर संस्कार कोचिंग एकेडमी सुजानगढ़ से इस यूट्यूब की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम आज बात करेंगे कक्षा 10 के इतिहास का टॉपिक। जिसे इतिहास का टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और 6 नंबर का ये टॉपिक है आपके। प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का अर्थ है कि राष्ट्रवाद का अर्थ है कि राष्ट्र के प्रति विचार रखना, यानी राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाओं को क्या करना, प्रेरित करना। प्यारे दोस्तों, इस नोट्स को यदि चाहिए तो इस पूरे वीडियो को देखना और लाइक करना और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। प्यारे दोस्तों, हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाएँ हैं उन घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण जो घटनाएँ हैं, इन घटना में सबसे पॉइंट पहला है कि 1885 में, 1885 है, उस 1885 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्यारे दोस्तों, ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है जिसमें मतलब पूछा जाता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस यानी हमारी जो कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। प्यारे दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि 1915 में, यानी 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे, यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 में। अब प्यारे दोस्तों, 9 जनवरी के दिन हम वह प्रवासी दिवस मनाते हैं, जबकि ये इससे पहले कहाँ पर रहते थे? दक्षिण अफ्रीका में थे, और दक्षिण अफ्रीका में 1893 की ईस्वी में प्यारे दोस्तों ये गए थे। और प्यारे दोस्तों, आगे हम बात करें इनके जो क्या क्या ये आंदोलन किए थे, कब लौटे थे, क्या क्या गए, आगे हम चर्चा करें इस नोट्स के माध्यम से। प्यारे दोस्तों, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि भारत आने के उपरांत, यानी भारत आने के बाद में 1916 में उन्होंने वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और वह साबरमती आश्रम की भी स्थापना की गई थी। प्यारे दोस्तों, उन्होंने एक नील की खेती के लिए, यानी नील की जो खेती है, उन नील की खेती के लिए किसानों की मदद करने के लिए एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन का नाम है चंपारण आंदोलन। यानी चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था और ये गुजरात में, चंपारण कहाँ है? बिहार में, गुजरात में नहीं, बिहार में है। जबकि दूसरा आंदोलन उन्होंने गुजरात के किसानों की मदद के लिए खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। यानी दूसरा जो आंदोलन चलाया था वो किसानों की मदद के लिए खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में ये फसल और कर के लिए चलाया गया था, जिसे लोगों पर मतलब अत्यधिक कर लगाया गया था। उस कर के कारण किसानों की मतलब जो फसल है उस फसल के ऊपर लगाया था। अब बात करते हैं ये खेड़ा आंदोलन, ये सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था। अब दूसरा है सूती कपड़ा और कारखानों के मजदूरों के लिए अहमदाबाद मिल सत्याग्रह का आयोजन किया गया। यानी अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, यह भी आंदोलन 1918 में हुआ था। और 1918 में यानी जो मिल मजदूर की है, वो मिल मजदूर के जो मिल के जो मालिक हैं, उन्हीं मजदूर की न कोई सीमा थी न कोई होती, उनका सूती कपड़ों के ऊपर कारखानों पर क्या लगाया था? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह आंदोलन। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे आगे, ये तीसरा पॉइंट है जो बहुत ही मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। हम बात करेंगे इस टॉपिक में कि 18 मार्च 1919 को, यानी 18 मार्च है, इस 18 मार्च 1919 को रॉयल एक्ट कानून के विरुद्ध, यानी रॉयल एक्ट पारित, पहले तो ये देखो 18 मार्च 1919 को रॉयल एक्ट कानून पारित हुआ था। ये पारित किसने किया था? ये इंग्लैंड के एक सर सिडनी रोलेट था जिन्होंने ये रॉयल एक्ट पारित किया था। उसके बाद में प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, यानी इस पर जो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की, इस कानून में राजनीतिक कैदियों को, जो हमारे जो राजनेता थे उन राजनीतिक कैदियों को कितनी साल की सजा तक मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान था। यानी इस रॉयल एक्ट में ये बात कही कि यदि बिना वकील या बिना अदालत 2 साल तक इसे मुकदमा चलाने में जेल में बंद रखने का प्रावधान, या कितने साल तक? 2 साल तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगले हम बात करेंगे चौथा पॉइंट यह है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन सा हत्याकांड हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और अब इस यह हुआ कहाँ पर था? पंजाब के अमृतसर जिले में। यानी पूछा जाता है कि यदि पंजाब कहाँ पर पड़ता है? अमृतसर, मतलब पंजाब एक राज्य हुआ, अमृतसर एक जिला है और पंजाब एक राज्य है। और कब हुआ था ये प्यारे दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को। और यहाँ पर इसने मतलब लोगों पर हत्या करने का
हत्या करने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। प्यारे दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग का हत्याकांड बता जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, करीबन यहाँ पर 498 लोग मारे गए हैं, करीबन कितने 498 लोग मारे गए हैं और लगभग की बात की गई है। हम प्यारे दोस्तों अब अगला पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी वेरी मोस्ट है। प्यारे दोस्तों, 1920 और 22 में कांग्रेस मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, यानी 1922 में किसकी स्थापना हुई थी? वह मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और यहाँ पर असहयोग और खिलाफत आंदोलन भी चलाया गया था। याद रखना प्यारे दोस्तों, 1919 में तो खिलाफत आंदोलन चलाया गया और असहयोग आंदोलन है वो 1920 में चलाया गया, जबकि 1920 के अंदर एक अधिवेशन हुआ था, वह अधिवेशन कौन सा था? नागपुर अधिवेशन, यानी सदिवेरी नागपुर जो अधिवेशन है वो हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। प्यारे दोस्तों, 1920 में भी असहयोग आंदोलन हुआ था और खिलाफत आंदोलन भी चलाया गया, यानी बताया जाता है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। अब हम चर्चा करेंगे अगला छठा पॉइंट की, बहुत ही ये भी देख लेना छठा पॉइंट क्या कह रहा है कि 1922 में गोरखपुर में स्थित 1922 में गोरखपुर में स्थित चोरी चोरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस था, यानी चोरी चोरा में बाजार से गुजरा एक शांतिपूर्ण जुलूस था, जुलूस था जो पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल दिया गया, इसे आपस में टकराव में क्या बदल गए थे। इस घटना घटना के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? वह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कब लिया था? सन 1922 में। प्यारे दोस्तों, बहुत ही मोस्ट या इम्पोर्टेंट है। और प्यारे दोस्तों, हम आगे बात करें सातवें पॉइंट की। प्यारे दोस्तों, पूछा जाता है कि साइमन जो कमीशन है वो भारत कब पहुंचा था? प्यारे दोस्तों, 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था और साइमन कमीशन भारत पहुंचने के बाद में एक हमारी जो जनता है उस जनता के द्वारा जो नारा लगाया गया था वह नारा कौन था, यानी साइमन कमीशन नारा कौन सा कि साइमन वापस जाओ के नारों लगाए हुए थे किसके विरोध में, कि साइमन कमीशन भारत आने के विरोध में। प्यारे दोस्तों, साइमन कमीशन का मतलब 8 नवंबर 1927 से ये इस दिन साइमन कमीशन का क्या किया गया था, गठन किया गया था। प्यारे दोस्तों, क्या किया गया था? गठन किया गया था। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की जो बहुत ही आपकी महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है कि इसमें एक आंदोलन हुआ था, मतलब सॉरी आंदोलन नहीं, इसमें एक तुम आंदोलन हुआ था और एक अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन कब हुआ था? हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों इस पॉइंट में, आठवां पॉइंट है आपका, 1929 में क्या हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। ये पूरी डेट पूछी जाए तो 31 दिसंबर 1929 को, और इसे यानी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसमें अधिवेशन में एक किस चीज़ की मांग की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और पूर्ण स्वराज की इस अधिवेशन में मांग की थी 26 जनवरी 1930 को, यानी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाएंगे, यानी 26 जनवरी के दिन हम 1930 में भारत को स्वतंत्रता दिवस के रूप में देखना चाहेंगे, यानी देखना नहीं क्या मनाएंगे। अरे दोस्तों, हम आगे बात करते हैं नौवें पॉइंट की। नौवा पॉइंट ये बोलता है कि 1930 में गांधी जी ने वायसराय इरविन का एक खत लिखा, यानी कब लिखा था? 1930 में। और 1930 में इरविन का एक समझौता हुआ। 1930 में असहयोग आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और प्यारे दोस्तों, इस वायसराय यह गांधी जी के वायसराय और इरविन को एक खत लिखा जिसमें गांधी जी ने कितनी मांगों का उल्लेख किया? 11 मांगों का उल्लेख किया। मांगों के न माने जाने पर उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की बात की, ये 11 मार्च 1930 को। अगला पॉइंट बात करेंगे हम, अगला पॉइंट है दसवां। प्यारे बच्चों,
हम है 10वां पॉइंट की बात करेंगे। 10वां पॉइंट यह है कि इसमें 11 मार्च 1930 को गांधी जी ने सविनय आंदोलन की क्या की थी, अवज्ञा आंदोलन की छेड़ने की बात मतलब आंदोलन चलाया था। इसमें 78 सदस्यों के द्वारा नमक कानून तोड़ा गया था। कितने सदस्यों के द्वारा? 78 सदस्यों के द्वारा नमक कानून तोड़ते हुए इन्होंने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। और इस दांडी यात्रा को ये 240 किलोमीटर दूरी पर तय की थी। कितनी? 240 किलोमीटर यह दूरी थी। और इन्होंने यह सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से क्या कर दिया गया था? प्रारंभ कर दिया। प्यारे दोस्तों, हम आगे बात करते हैं 11वें पॉइंट की, जो आपके ये अंतिम चरणों में हैं। आगे भी आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो लाइक भी करना और शेयर करना। प्यारे दोस्तों, 11वां पॉइंट ये बोलता है कि 1931 में गांधी जी ने अस्थायी रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या रोकने की बात की थी। कब की थी? 1931 में गांधी जी ने अस्थायी रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की रोक की बात की थी। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कहाँ गए थे गांधी जी? लंदन गए थे। और वहाँ पर यह वार्ता बीच में टूट गई थी और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हमें पूर्ण स्वराज के जो ये अधिवेशन और जो एक सम्मेलन हुए थे, इन सम्मेलनों में हमारी इनकी बात चाहिए कि हमें पूर्ण स्वराज की मांग थी। वापस आकर आंदोलन तो फिर शुरू किया, जो 1934 तक मंद पड़ते पड़ते 1934 तक मंद पड़ते पड़ते इस आंदोलन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, हम आगे बात करेंगे वह 12वां पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूना पैक्ट। पहले तो याद रखना, पूना पैक्ट की बात है। पूना पैक्ट क्या था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल को लेकर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में काफ़ी, यानी पूना पेट की पहले तो ये देखो 1900 पूना पेट कब हुआ था? वह अंबेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था। और ये कब मतलब इसके बीच में काफ़ी विवाद हुआ और अंत में पूना पेट के तहत पूर्व पिछड़ा वर्ग चुनाव क्षेत्र से समाप्त कर दिया गया। और उन्हें कुल 48 स्थान पर आरक्षित रखे थे। प्यारे दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।